Hello friends, welcome to Salt India. In this video lecture, we'll talk about the chemical properties of bases. Namaskar dosto, bahut bahut swagat hai aapka Salt India channel par. Is video lecture mein hum chemical properties of bases samajhne wale hain, jo aata hai chapter acid, bases and salts ke andar class 10 ke liye. To chaliye dosto, video lecture ko shuru karte hain. Time bilkul waste nahi karte hain. Jo pehli property ke baare mein hum baat karne ja rahe hain, wo hoti hai reaction of bases with acids. तो लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स. जब हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें वो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं. सेम यहां पर भी होता है जब बेसिस भी एसिड के साथ रिएक्शन करें. वैसे तो देखें रिएक्शन चाहे एसिड की बेस के साथ हो या बेस की एसिड के साथ हो एक ही बात है. तो वही है यहाँ पर जब बेस रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तो क्या हो रहा है तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है. तो चलिए इसके एक बेसिक इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे. तो जब कोई भी बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो बनता है सॉल्ट और सॉल्ट के साथ बनता है वाटर. ओके और इस ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम क्यों कहते हैं बहुत सारे बच्चों को ये सवाल हो सकता है. ओके तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देते हैं. जब वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कैंसिल करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होता है ना उसमें बेसिस की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ होती हैं माफ़ कीजिएगा ना उसमें बेसिस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. ओके तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल हमारा रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. ओके तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. चलिए इसका नाम लिख लेते हैं यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या हुआ ये एक बेस है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस ये एक बेस है. ये क्या है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक तो नाम से ही पता चल रहा है एसिड है फिर भी चलिए मैं ब्रैकेट में एसिड एक बार और लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब ये रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपस में तब हमको क्या मिलता है तब हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में हमको मिलता है वाटर. ये क्या है ये एक सॉल्ट सॉल्ट है लिख लेते हैं इसका नाम सोडियम क्लोराइड. ये सोडियम क्लोराइड है ये क्या है ये एक सॉल्ट है और साथ में हमको मिल रहा है इसके तो हम बहुत अच्छे जानते हैं ये है वाटर. तो सोडियम क्लोराइड मिल रहा है साथ में वाटर हमें मिल रहा है ठीक है. तो ये क्या हुई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई. देखिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और हमको जो सॉल्ट मिल रहा है सोडियम क्लोराइड वो एक सॉल्ट है साथ में इसके साथ हमको मिल रहा है वाटर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं चलिए एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम रिएक्शन करा देते हैं दूसरा एक एसिड होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं. इसका नाम मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है यहाँ पर मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके तो ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो हमको मिलता है सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 और साथ में हमको मिलता है वाटर. इसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ सोडियम एक है और राइट हैंड साइड पर सोडियम दो है तो यहाँ पे हम टू लिख देते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे दो और चार हो गया यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए. चलिए ये तो थी बैलेंसिंग की बात अब देखते हैं कि हुआ क्या है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है यहाँ लिख देते हैं ये एक बेस है नाम हमने ऊपर लिख लिया तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ मगर आप लिख लीजिएगा. ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो हमको मिल रहा है सोडियम सल्फेट
सोडियम सूर माफ कीजिएगा सोडियम सल्फेट हमें मिल रहा है। ओके तो सोडियम सल्फेट क्या है? सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट हमें मिल रहा है, साथ में हमको मिल रहा है H2O जो कि वाटर है। ओके तो ये एक और एग्जांपल हमने देख ली, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस लिए हैं, अब इस एग्जांपल में हम वीक बेसिस लेंगे और उसके तौर पर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और साथ में हमने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जब ये रिएक्ट कर रहा है तो हमको मिलता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिलता है और साथ में मिलेगा वाटर, तो हमको यहाँ वाटर मिल गया। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, वाटर मिल गया, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हम लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है जो कि एक बेस है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है। ओके और साथ में जब इनकी दोनों की रिएक्शन हुई तो हमको मिला कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर हमें मिलेगा। इसमें बैलेंसिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पर दो है, यहाँ एक है तो यहाँ डबल कर देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो दो चार हो गया, तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ इसको 2H2O कर देते हैं, ये बैलेंस है। जब भी आप इक्वेशन लिखिएगा तो उसको बैलेंस करके ही लिखिएगा, क्योंकि हाफ मार्क वरना CBSE डिडक्शन का ऑर्डर देता है जब टीचर्स इन्विजिलेटर्स सॉरी एग्जामिनर चेक करने के लिए जाता है। ओके तो इसमें ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद एसिड, अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। जब बेसिस की रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ तो क्या होता है, कैसा उसका बिहेवियर रहता है? सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इसको मैं स्टेटमेंट को लिख ही देता हूँ, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये हमारी स्टेटमेंट है, ये आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है कि कुछ जो बेसिस हैं जब कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या कुछ मेटल बेसिस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। चलिए इसी रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। ओके एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिख लेते हैं। ओके जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो क्या होता है? ओके जिंक, ओके मैं उसका सिंबल की जगह नाम लिख दिया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट ही है Na2ZnO2, ये एक सॉल्ट है, साथ में इसके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ओके तो इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये क्या है? ये है जिंक जो एक मेटल है। ओके और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो कुछ मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बेसिस की। आप देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल
नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो चलिए समझते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार, कैसा बिहेवियर रहता है बेसिस का। बेसिस व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ले लें हम, दे प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड वाटर। वो मेटल सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बेसिक मैं एक अपने पास से बना के एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ओके, जब बेसिस रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो यहाँ लिख लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये बनाते हैं सॉल्ट, सॉल्ट बनाएगा और साथ में बनाता है वाटर। ओके, तो एक बेसिक इक्वेशन हो गई। अब इसके एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो होती है जिसमें मेटल नहीं होता। नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, उनके साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे समझने के लिए। तो एक फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आप देखिए ये बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ओके, तो जब ये रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, तब हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट Na2CO3 और साथ में हमको मिलता है वाटर, दैट इज H2O। तो यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है आप ऐसे बेस लिखे हैं, एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो बेस ही लिखा है। और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये भी मैं आपके समझाने के लिए लिखा हूँ। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे समझाया बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये करता है सॉल्ट बनाता है वाटर बनाता है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हमको क्या मिला, हमको एक सॉल्ट मिला जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है और साथ में मिलता है हमको वाटर, यहाँ पे हमको वाटर मिला। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया जब रिएक्शन होती है बेसिस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लेते हैं एक वीक बेस, दैट इज CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया और उसकी भी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो हमको कैल्शियम का सॉल्ट मिलेगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में हमको मिलता है यहाँ पर वाटर। तो यहाँ वाटर मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट के साथ, लिख लीजिए नाम, लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला हमको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या मिला हमको, एक सॉल्ट मिला जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो एक सॉल्ट है और साथ में मिला। ओके, तो ये हमने समझ लिया जब रिएक्शन होती है बेसिस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है बेसिस की तो हमको मिलते हैं सॉल्ट और वाटर। अब हम समझेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिस की, जो आखिरी प्रॉपर्टी है, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद हैवी मेटल सॉल्ट। तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विद हैवी मेटल सॉल्ट्स, बेसिस की हैवी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन होती है तो कैस क्या होता है वो हमको समझना है।
मेटल सॉल्ट रिएक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, जो जब भी जो दो एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन के रिएक्ट करने पे अगर कोई एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का बनता है, ओके। और ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आपने जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा होगा उसमें देखा होगा आपने कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है उसमें ही ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, ओके। मैं इसका एक इक्वेशन फॉर्म बना रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए कि जब बेसिस रिएक्ट करते हैं किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक्वस फॉर्म में जब रिएक्ट करता है बेस मेटल सॉल्ट्स के साथ, लिख लीजिए मेटल सॉल्ट्स के साथ जब रिएक्ट करता है, ये भी इसका एक्वस फॉर्म में, देन दे फॉर्म इनसॉल्यूबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड लिख दे रहा हूँ, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मैं इसको यहाँ सॉलिड लिख दे रहा हूँ, इसको हम पीपीटी भी लिख सकते हैं, ओके। प्रेसिपिटेट बनता है, ओके। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा रहेगा जिंक सल्फेट का। जब ZnSO4 जिंक सल्फेट की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक सल्फेट यहाँ पर मेटल सॉल्ट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम जानते हैं बेस है, तो जब ये इनकी रिएक्शन होती है तो हमको मिलता है Na2SO4, हमको सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट के साथ हमको एक PPT मिलेगा जो मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, ZnOH2। तो यहाँ पे जो हमने ये लिखी है बेसिक इक्वेशन, इसमें हम प्लस सॉल्ट भी कर देते हैं, ओके। सॉल्ट भी हमको मिलता है, ये PPT रहेगा सॉलिड इसके साथ, ओके। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट भी हमको मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ आप देखिए अच्छे से, अगर आप देख पा रहे हैं, ये तो हो गया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट हमारा मेटल सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ एक बेस, इसका नाम अच्छे जानते हैं। यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो गया सॉल्ट और ये हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड। और जिंक हाइड्रोक्साइड PPT होता है, PPT को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नीचे की तरफ एरो लगा देते हैं जो शो करता है कि PPT यानी प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। तो एक अच्छे से एरो बना देते हैं तो ये शो करेगा कि यहाँ पर PPT यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। ये वाइट कलर का होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइट PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। जैस आप एरो भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वाइट PPT आप लेंगे, सिर्फ वाइट लिखने से भी काम चल जाएगा अगर आपने एरो लगाया। एरो जब ऊपर की तरफ होता है तो बताता है गैस बनी है, और जब एरो नीचे की तरफ होता है तो बताता है वो PPT यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 की रिएक्शन होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस बार लेंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है, तो हमको मिलता है अमोनियम सल्फेट, दैट इज NH4 whole twice SO4, और इसके साथ में मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH whole twice। तो ये भी PPT है, तो मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ, ओके। तो यहाँ एरो लगा देते हैं अच्छे से, ओके लीजिए, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट, लिख लीजिए आप नाम, लिख लीजिए इसका कॉपर सल्फेट, जो कि है मेटल सॉल्ट। ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसमें हमको फिर मिला रिएक्शन के बाद अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन, अमोनियम सल्फेट, और साथ में मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड की PPT हमको मिली।
चलिए आप इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं इस प्रॉपर्टी को समझाने का, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल सॉल्ट और हैवी मेटल सॉल्ट। यहाँ पे हम फेरस क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, दैट इज FeCl2, और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है NaOH, तो क्या होता है NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट मिलेगा, साथ में हमको मिलेगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये एक ब्राउन कलर की PPT होती है, तो एरो हमने लगा दिया, यहाँ PPT हमको मिली है, नाम नेमिंग हम कर देते हैं। चलिए नेमिंग से पहले इसकी बैलेंसिंग हम देख लेते हैं, यहाँ सोडियम एक है, यहाँ भी एक है, क्लोराइड यहाँ दो है, यहाँ पे क्लोराइड एक है, तो यहाँ डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ डबल किया सोडियम यहाँ डबल हो गया, यहाँ सिंगल रह गया, तो सोडियम भी यहाँ डबल कर लिया। अब हाइड्रोक्साइन हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन ठीक है, बैलेंस है। ऐसे ही चलिए ऊपर भी बैलेंसिंग देख लेते हैं, पहले कॉपर सल्फेट यहाँ NH4 यहाँ दो, ओके यहाँ ठीक है, हम डबल कर देते हैं, बाकी सब बैलेंस है। चलिए तो अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया हमारा फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड जो कि एक मेटल सॉल्ट है। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए लिख ही देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और इसके बाद रिएक्शन होने पर मिलता है सोडियम क्लोराइड और फिर फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये ब्राउन कलर की PPT होती है, ब्राउन PPT लिख देते हैं, ओके। तो देखा आपने जब रिएक्शन होती है बेसिस की हैवी मेटल सॉल्ट के साथ, तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ एक इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं, और इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, अगर हमने बात की तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखिए चलिए तीनों में देख लेते हैं, यहाँ जिंक चला गया है हाइड्रोक्साइड के साथ, हमको मिला जिंक हाइड्रोक्साइड, और सोडियम चला गया है सल्फेट के साथ और हमको मिला है सोडियम सल्फेट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ऐसे ही नीचे वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर चला गया है हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमको मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम चला गया है सल्फेट के साथ तो हमको मिला अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ यहाँ पर भी। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, ये जो आयरन था, आयरन चला गया हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमको मिला फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी फेरस चला गया, और जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ चला जाता है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमको मिलता है, ओके। तो सोडियम क्लोराइड मिल गया हमको, ओके। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, दीज आर सिमिलर टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मगर हमें बेसिस के केस में रिएक्शन समझानी थी तो हमने समझाया, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है जब बेसिस का इन्वॉल्वमेंट है किसी भी हैवी मेटल सॉल्ट के साथ, और उसमें प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा। आपने तीनों रिएक्शन में देख लिया है कि प्रेसिपिटेशन यहाँ हुआ है, प्रेसिपिटेट बनाई है तीनों के केस में, तो प्रेसिपिटेट भी बनेगा, ओके। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सॉल्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसी तरह के एजुकेशन वाले वीडियोज़ देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल सॉल्ट इंडिया पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ बेसिस के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।